हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत ही गुड न्यूज़ आई है और उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने यूपी का हायर जुडिशियल का फॉर्म भर रखा है। डियर स्टूडेंट, बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था कि जो यूपी का हायर जुडिशियल का आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उसका एग्ज़ाम कब होगा और तरह तरह की इसमें पॉसिबिलिटीज बताई जा रही थी। आज इस लेटर के द्वारा पूरा क्लियर कर दिया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो आप लोग का हायर जुडिशियल का एग्ज़ाम है इसके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, अभी मात्र थोड़ी देर के पहले, जिसको आप कह सकते हैं विद इन वन आवर, ये लेटर अभी पब्लिश हुआ है। इस पर आप लोग को हम देखिए बताते हैं कि यूपी का हायर जुडिशियल का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कब होगा। देखिए, ये लेटर ओरिजिनल फॉर्म में लगा हुआ है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद डायरेक्ट रिकमेंड टू द उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज 2023। हम पूरा लेटर आप लोगों को पढ़ रहे, फिर इसके बाद आप लोग एक एक करके इसको देखिएगा। नोटिस, नोटिस क्या है, नंबर 166 ऑब्लिक S&A सेल 2024, ये ऑफिशियल लेटर का नंबर है, डेटेड इलाहाबाद अक्टूबर 23, 2024, यानी आज की डेट है। सब्जेक्ट, डेट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज 2023। लेटर में क्या लिखा है, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 2023 विल बी कंडक्ट ऑन दिसंबर 8, 2024। डियर स्टूडेंट, फिर से सुन लीजिए, 8 दिसंबर 2024 को यूपी हायर जुडिशियल की आप लोगों के लिए डेट फाइनल की गई है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। आगे क्या कहा जाता है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। यानी कि जो कैंडिडेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, जिनका एक फाइनल लिस्ट आ चुकी है जिसमें बता दिया गया था किन किन स्टूडेंटों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कन्फर्म माना गया है, जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया तो उनका भी नाम एक महीना पहले पब्लिश किया गया था। यानी जिन कैंडिडेट को अलाउ कर दिया गया था उनको ये सचेत किया जाता है, उनको ये सब बताया जा रहा है कि समय समय पर आप लोग ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। देखिए, जो लेटर इशू हुआ है, ये रजिस्ट्रार जुडिशियल सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट सीनियरिटी मिस्टर मान वर्धन HHS हायर जुडिशियल है, उनके सिग्नेचर से 23/10/2024 को ये आप लोग के लिए लेटर इश्यू हो गया। अब आप लोग को ये पता चल गया कि यूपी हायर जुडिशियल का जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था उसकी डेट आ चुकी है 8 दिसंबर 2024। ये आप लोग के लिए दीपावली का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया कि अब आप लोग बहुत सीरियस हो जाइए। और देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है उसके लिए आप लोगों के लिए क्या क्या तैयारी किया गया है, जो सबसे पहले आप लोग की तैयारी किया गया है वो आपको तैयारी किया गया है कि यूपी HHS की टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट है, यूपी हायर जुडिशियल की टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट है, जिसमें मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, लोकल लॉज सबके आपको एक एक पेपर, एक एक पेपर, दो दो पेपर कराए जाएंगे। और जितने नए क्रिमिनल्स लॉ है, BNS, BNSS और BSA, यानी IPC, CRPC, UDO, तो आपको मिलेगा ही, न्यू क्रिमिनल्स लॉ भी मिलेंगे और भी मेजर एक्ट मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको जो ढेर सारे माइनर एक्ट है वो आपको मिलेंगे और जो लोकल लॉज है वो आपको मिलेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट है। टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन करें, देखो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आपको स्क्रीन पर दो नंबर शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265, ये दो नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड फेस साइड बैक साइड सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर और उसमें लिख देंगे कि मुझे यूपी हायर जुडिशियल की टेस्ट सीरीज करनी है। जो टेस्ट सीरीज है हिंदी में भी है, अंग्रेजी में है, डिग्लॉट एडिशन है, हिंदी वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बात, एक तो आपके लिए ये तैयारी कर दे, दूसरा यूपी हायर जुडिशियल का एक आप लोग के लिए गाइड तैयार कर दिया गया है, न्यू क्रिमिनल्स लॉ में आप लोगों के लिए 3 in 1s, यानी BNS,
BNSS और BSA के 1200 क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में डिग्लॉट एडिशन में रेडी है, उसको भी मंगा के आप पढ़ सकते हैं। तो जिन स्टूडेंटों को गाइड प्लस न्यू क्रिमिनल्स ला चाहिए, इसी दोनों नंबर पर अपना पूरा पोस्टल एड्रेस सेंड कर देंगे, नाम पता डिस्ट्रिक्ट का नाम पिन कोड नंबर और स्टेट, और ये लिख देंगे कि मुझे UPHHS की गाइड चाहिए जो डिग्लॉट एडिशन में है, इसके साथ मुझे न्यू क्रिमिनल्स ला चाहिए। देखिए गाइड और न्यू क्रिमिनल्स ला मिला के आपको स्टडी करनी है, क्योंकि गाइड में न्यू क्रिमिनल्स ला नहीं है, न्यू क्रिमिनल्स ला अलग से लेना है। तो आप लिखेंगे कि मुझे HHS की गाइड चाहिए, न्यू क्रिमिनल्स ला चाहिए, जब दो आपका और पूरा पोस्टल एड्रेस जब आपका आ जाएगा तो कोचिंग का QR कोड जाएगा, पेमेंट आपको केवल QR कोड पर भेजना और किसी तरीके से नहीं भेजना है। जब आपका QR कोड भेज दिया जाएगा तो आप उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है उसको आप जमा कर देंगे, इसके बाद आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर वो रजिस्टर पार्सल के द्वारा भेजा जाता है। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो भी तैयारी किया है आप टेस्ट सीरीज का फायदा उठा लीजिए, रिहर्सल हो जाएगा और टेस्ट सीरीज से काफी आपको सहूलियत मिलेगी, आपको एग्जामिनेशन में पेपर सॉल्व करने के बहुत मदद मिलेगी, आपको एक सिस्टमेटिक तरीका पता चल जाएगा कि कैसे MCQ सॉल्व किया जाता है, क्योंकि माइनर रेट की संख्या बहुत ज्यादा है हायर जुडिशियल सर्विसेज में। इसके साथ साथ आप गाइड और न्यू क्रिमिनल्स लॉ भी पढ़ सकते हैं। तो आपको जो भी सुविधा लेनी हो वो दोनों सुविधा आप लोग के लिए उपलब्ध है, जल्दी करिएगा, अब बहुत कम समय बचा हुआ है आप लोग के लिए। जो आपके पास समय है वो लगभग आप एक जान लीजिए 50 डेज का आपके पास समय है, 50 डेज से कमी है डियर स्टूडेंट, उसका फायदा उठा के आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करें, फिर आगे आप लोग के लिए मेंस के लिए जो तैयारी की जाएगी आपको बताया जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।